हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ विष्णु गुप्ता एंड वी आर लर्निंग बायोलॉजी हेयर एंड इट इज़ मोर देन अ सब्जेक्ट। ठीक है, सो इन दिस लेसन, इन दिस सेशन वी आर लर्निंग एनिमल किंगडम। हम लोग एनिमल किंगडम के बारे में पढ़ रहे हैं और एनिमल किंगडम में हम लोग ने बहुत सारे फाइलम डिस्कस कर लिए। मैंने 9 फाइलम जो नॉन कॉर्डेट्स के थे उनको कंप्लीट कर लिए। फिर मैंने अभी प्रीवियस क्लास में आपको ये भी बता दिया कि कॉर्डेटा क्या होता है, ठीक है, और कॉर्डेट्स के नोटोकॉर्ड के बेसिस पे हम एनिमल्स को किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रीवियस सेशन में मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसे एनिमल्स थे जिनको सबसे पहले कॉर्डेटा में क्लासीफाई कर दिया गया था। ठीक है, मतलब उनको सबसे पहले ये सोचा गया था कि ये दे बिलोंग टू द कॉर्डेटा, लेकिन बाद में देखा गया कि उनके पास नोटोकॉर्ड मतलब नहीं होती है, नोटोकॉर्ड डिसअपियर हो जाती है, नहीं वो शो करते, तो उनको अलग से हटा के, उनको हटाने दिया गया, रिमूव नहीं कर दिया गया, लेकिन उनको एक अलग से फाइलम दे दिया गया जिसका नाम बुलाया था हम लोग ने हेमीकॉर्डेटा। ठीक है, तो हेमीकॉर्डेटा के बारे में हम लोग ने प्रीवियस सेशन में डिस्कस किया था। मैंने बताया था कि हेमीकॉर्डेटा किसके तरह दिखता है, वॉर्म्स की तरह होते हैं, जैसे आपने एनी लीडर देखा था एकदम वैसे ही होते हैं, लेकिन थोड़े से डिफरेंट होते हैं उनसे कि इनके पास सेगमेंट्स नहीं होते। ठीक है, सेगमेंट्स ना होने के साथ साथ इनके पास बहुत सारे ऐसे फीचर्स होते हैं जो पूरी तरह से डेवलप नहीं होते। ठीक है, तो ये मैंने हेमीकॉर्डेटा के बारे में प्रीवियस सेशन में बताया था। बहुत सिंपल से एनिमल्स होते हैं, इनके बारे में कुछ कैरेक्टरिस्टिक थे जो मैंने एक्सप्लेन कर दिया था आपको कि इनकी बॉडी को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, प्रोबोस्किस, कॉलर और ट्रंक। प्रोबोस्किस जो है वहाँ पे कुछ ग्लैंड्स लगी होती है जो क्या करती है, जो एक्सक्रीशन में भी हेल्प करती है। ठीक है, उसी पार्ट के पास माउथ लगा होता है जो इंजेशन में हेल्प करता है। मैंने आपको हेमीकॉर्डेटा के जो कैरेक्टरिस्टिक थे वो नाम के बेसिस पे भी बता दिए थे कि हेमी मतलब हाफ। ऐसे एनिमल्स जो कॉर्डेटा में रखे गए लेकिन बाद में उनको कॉर्डेटा से हटा के दूसरे एक नए फाइलम में उनको क्या कर दिया गया, क्लासीफाई किया गया, जिसका नाम बुलाया हम लोग ने हेमीकॉर्डेटा। ठीक है, उसके बाद ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक मैंने बता दिए थे कि किस तरह से इनकी डाइजेस्टिव ट्यूब होती है जो आगे जाके स्ट्रेट और आगे जाके यू शेप में टर्न हो जाती है। ठीक है, किस तरह से इनका लार्वा प्रोड्यूस होता है, बाइलेटरल होते हैं, ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सीलोमेट होते हैं। ठीक है, इनके पास गिल्स होती हैं जो गिल्स के थ्रू क्या करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम होता तो है, सिंपल होता है, ओपन होता है, और जो एक्सक्रीशन होता है वो प्रोबोस्किस ग्लैंड के थ्रू होता है। रिप्रोडक्शन बता दिया था कि किस तरह से रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन मेनली सेक्सुअल, ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, गोनेड्स होते हैं। ठीक है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है और ये मैरीन होते हैं, फ्रेश वाटर में नहीं होते। मैंने एक एग्जाम्पल किसका बताया था इसका, बेलोनोग्लॉसिस और सैक्लोग्लॉसिस, ये दो मेन एग्जाम्पल हैं इसके। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा मतलब कह सकते हैं कि प्रोमिनेंट फाइलम नहीं है क्योंकि ये अलग से एक फाइलम बनाया गया था, इसलिए इसके करेक्टरिस्टिक इसी तरह से, ठीक है, इंपॉर्टेंट है लेकिन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं कॉर्डेटा। ठीक है, देखो कॉर्डेटा जब स्टार्ट हुआ तो आपको मैंने इस डायग्राम के बारे में पहले से ही बता रखा है, लेकिन फिर से बता दे रहा हूँ जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना रह जाए, क्योंकि अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कॉर्डेटा के बारे में। ठीक है, अभी तक जितने भी एनिमल्स थे वो सब नॉन कॉर्डेट्स थे, हेमीकॉर्डेटा बीच में आ गया था, उसको भी हटा दिया हम लोग ने, कहाँ रख दिया, वो फातू का कॉर्डेटा में क्लासीफाई हो गया था। ठीक है, लेकिन बाद में देखा गया कि ये तो कॉर्डेट को बिलोंग ही नहीं करता, तो इसीलिए उसको हटा के फिर से कहाँ रख दिया गया, हेमीकॉर्डेटा में। अब देखो जो कॉर्डेट होंगे, ठीक है, जितने भी कॉर्डेट्स होते हैं उनके ये मतलब बेसिक बॉडी प्लान है, जैसे हर एक का बॉडी प्लान होता है ना, जैसे हमारे बॉडी प्लान क्या है कि हमारे पास हेड है, उसमें ब्रेन सिचुएटेड है, हार्ट है, हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, तो ये हमारा बॉडी प्लान है। जितने भी ह्यूमन हैं उनका एक बॉडी प्लान होगा। ठीक है, अगर किसी कोई, जब तुम लोग डॉक्टर बनोगे तो तुम्हें एक बॉडी की स्टडी अगर कर लोगे तो तुम्हें पता लग जाएगा कि किस तरह से ऑर्गन्स कहाँ कहाँ लोकेटेड होते हैं। अब ये थोड़ा ना कि तुम्हें हर बार नई नई बॉडी दिखाई जाए, हर बार नई बॉडी में नया प्लान होता है, नहीं ना। ठीक है, एक बॉडी अगर आपने पढ़ लिया तो उस बॉडी में जो प्लान होगा वही प्लान सबके अंदर होगा। सेम एज अगर कोई कॉर्डेटा है तो उसके अंदर ऐसे ही बॉडी प्लान होता है। क्या क्या बॉडी प्लान होता है देख सकते हो, उसमें माउथ होते हैं, फेरिंग्स रीजन होता है, माउथ के बाद एक मस्कुलर फेरिंग्स पार्ट होता है जहाँ से फूड और एयर पास होती है। एक गिल स्लिट्स लगे होते हैं, स्लिट्स लगे होते हैं, ठीक है, जिनको हम फेरिंजियल गिल स्लिट्स बुलाते हैं। इसका मतलब है अगर कॉर्डेटा में गिल्स प्रेजेंट हैं तो फेरिंजियल गिल स्लिट्स होनी चाहिए। उसके बाद इनके बॉडी में ब्रेन होता है, हो सकता है बहुत सारे ऐसे कॉर्डेट्स हैं जिनके पास ब्रेन पूरी तरह से डेवलप ना होता हो। डॉर्सल नर्व कॉर्ड होती है, मैंने आपको पेन का एग्जांपल लेके बताया था कि हमारे बॉडी में जो गट होती है और जो डॉर्सल नर्व कॉर्ड होती है उनके बीच में एक
हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम बुलाते हैं डॉर्सल सॉरी नोटोकॉर्ड। उसी कॉर्ड को क्या बुलाते हैं हम नोटोकॉर्ड बुलाते हैं। जिस भी एनिमल्स में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगी उसको क्या बुलाएंगे हम कॉर्डेटा बुलाएंगे, और जहाँ पे नोटोकॉर्ड नहीं होगी उसको नॉन कॉर्डेट बुलाएंगे। बहुत ईजी हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो पोस्ट एनाल टेल होती है। पोस्ट एनाल का मतलब क्या हो गया कि जो टेल होती है वो सबसे पोस्टीरियर बॉडी के पार्ट पे होती है। आपको एंटीरियर और पोस्टीरियर पता है, आपकी एंटीरियर क्या होता है पोस्टीरियर क्या होता है, तो जो टेल होती है वो पोस्टीरियरली अरेंज होती है। NSB प्रेजेंट होता है, इंटेस्टाइन प्रेजेंट होती है। जो हार्ट होता है मोस्टली वेंट्रल होता है, अगर हार्ट प्रेजेंट है तो वो वेंट्रल होगा, ठीक है। तो दीज आर द बेसिक बॉडी प्लान, बेसिक करेक्टरिस्टिक ऑफ द कॉर्डेटा। ये कॉर्डेटा का बेसिक प्लान है, और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें कौन सा करेक्टरिस्टिक है नोटोकॉर्ड। अगर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है तब तो कॉर्डेटा है, अगर नोटोकॉर्ड एब्सेंट है तो नॉन कॉर्डेटा है, जो अभी तक आपने पढ़ा, ठीक है। अब देखो जब कॉर्डेटा को डिवाइड किया गया तो 3 सब फाइलम में डिवाइड किया गया। फाइलम कॉर्डेटा के ये मैंने उनके वो लगा दिए हैं कि आपको प्रॉब्लम ना हो नोट्स बनाने में, कि नोटोकॉर्ड का क्या रोल होता है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। नोटोकॉर्ड का रोल लिख रखा है मीजोडर्म से ओरिजिनेट होता है। जो डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड होती है, जैसे हमारे पास स्पाइनल नर्व कॉर्ड होती है, ठीक है, वो कहाँ से डिराइव होती है एक्टोडर्म से, और यही किसको बनाती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। आपको पता है हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड होती है वो किसका पार्ट होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। तो CNS का मतलब क्या हो गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम। फेरिंजियल गिल स्लिट्स होती हैं, फेरिंजियल पाउचेज होते हैं जो ब्रीदिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट है पोस्ट एनाल टेल होती है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ओपन नहीं होता। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स मोस्टली किडनी होती है, और जो सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। उसके बाद देखो हम कॉर्डेटा को 3 सब फाइलम में डिवाइड कर सकते हैं। ये यहाँ पे 3 सब फाइलम है, इन्हीं सब फाइलम के बारे में हमें स्टडी करनी है। सबसे पहला है यूरोकॉर्डेटा और ट्यूनिकेटा, ठीक है, यूरोकॉर्डेटा बुलाओ चाहे उसको ट्यूनिकेटा बुलाओ। नेक्स्ट है सिफेलोकॉर्डेटा, और थर्ड है वर्टिब्रेटा। ये 3 सब फाइलम है, किसके सब फाइलम है कॉर्डेटा के, यूरोकॉर्डेटा सिफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा, ठीक है, जिसमें हम आते हैं। हम किस में आते हैं वर्टिब्रेटा में आते हैं, ठीक है। वर्टिब्रेटा मतलब जिसके पास वर्टिब्रल कॉलम होती है उसको बुलाते हैं वर्टिब्रेटा, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके एम्ब्रियो स्टेज में नोटोकॉर्ड होती है, जैसे हमारे भी एम्ब्रियो स्टेज में नोटोकॉर्ड होती है, लेकिन बाद में वो वर्टिब्रल कॉलम में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, ठीक है। तो ऐसे एनिमल्स को किस में क्लासीफाई करते हैं वर्टिब्रेटा में क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। और जिनके पास नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम में डेवलप नहीं होती उनको कॉर्डेटा में क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये दोनों जो फाइलम हैं यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा, इन दोनों को मिला के बुलाते हैं हम प्रोटोकॉर्डेटा। नोट कर लेना, इन्हीं को बुलाते हैं हम प्रोटोकॉर्डेटा। और पूरी बायोलॉजी में भी जहाँ पे भी प्रोटो वर्ड आ जाए उसका मतलब होता है फर्स्ट। तो ऐसे एनिमल्स जिनके पास सबसे पहले नोटोकॉर्ड देखी गई उनको बुलाया हमने प्रोटोकॉर्डेट्स, ठीक है। और इसमें दो आते हैं, एक यूरोकॉर्डेटा और एक सिफेलोकॉर्डेटा, ठीक है। तो इन दोनों के करेक्टरिस्टिक चलो देखते हैं क्या क्या होते हैं। देखो यूरो का मतलब होता है टेल, यूरो का मतलब होता है टेल, मतलब कुछ ऐसे एनिमल्स थे जिनके टेल में केवल नोटोकॉर्ड को ऑब्जर्व किया गया था। और जब ये एडल्ट होते थे इनकी लार्वा में जो टेल होती थी उसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होते थे, लेकिन जब ये एडल्ट होते थे तो इनका नोटोकॉर्ड डिसअपियर हो जाता था। क्लियर है, मतलब नोटोकॉर्ड देखे तो देखा तो गया, लेकिन किस स्टेज में देखा गया एम्ब्रियो लार्वा स्टेज में देखा गया। और जब लार्वा एडल्ट में चेंज होते थे तो जो नोटोकॉर्ड होती थी वो क्या हो जाती थी डिसअपियर हो जाती थी। और किस रीजन में नोटोकॉर्ड देखा गया था टेल रीजन में, इसीलिए इनको क्या बुलाया यूरोकॉर्डेटा। क्लियर है, तो देखो इनके कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं। यूरोकॉर्डेट्स आर स्मॉल मैरीन एनिमल्स होते हैं, दियर लार्वा स्विम फ्रीली एंड एडल्ट अटैच देमसेल्व टू द ओशन फ्लोर, ठीक है। लार्वा तो स्विम कर सकता है, ठीक है, लेकिन जो एडल्ट होते हैं वो ओशन के फ्लोर से अटैच हो जाते हैं। यूरोकॉर्डेट्स नॉर्मली नोन एज ट्यूनिकेट्स, देखो ट्यूनिक मतलब होता है कि ट्यूनिक, जैसे गर्ल्स में जब स्कूल ड्रेस होती है तो उसके ऊपर एक पट्टी स्ट्रिप वाला एक ड्रेस नहीं होती ऊपर से पहन लेते हैं जिसको बोलते हैं ट्यूनिक, आपने सुना होगा ट्यूनिक, ठीक है। जैसे के ऊपर एक और अलग से एक स्ट्रिप वाला एक ड्रेस होती है उसको पहन लेते हैं, समझ में आ गया होगा, ठीक है, तो उसको बोलते हैं ट्यूनिक। तो यहाँ पे ट्यूनिकेट्स इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इनके बॉडी के ऊपर एक एक्स्ट्रा लेयर होती है, इसीलिए इनका नाम पड़ गया ट्यूनिकेटा या ट्यूनिकेट्स। क्लियर,
एडल्ट हैज़ नो नोटोकॉर्ड। मैंने अभी बताया ना कि इनकी जो नोटोकॉर्ड है वो केवल लार्वल स्टेज में ही देखी जाती है, और वो भी टेल रीजन पे। जो एडल्ट होते हैं उसमें कोई नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है। इन फैक्ट एन एडल्ट ट्यूनिकेट इज़ एन इमोबाइल। इमोबाइल मतलब वो मूव नहीं कर सकता फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। जैसे स्पॉन्ज नहीं मूव कर सकते थे, ऐसे ये भी मूव नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये फिल्टर फीडिंग करते हैं। फिल्टर फीडिंग का मतलब क्या हो गया कि वाटर आया, उससे फिल्टर करके, फूड को फिल्टर करके इनटेक कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं फिल्टर फीडिंग। जैसे स्पंज के अंदर था एकदम, वैसे ही यहाँ पे भी करेक्टरिस्टिक देखने को मिल रहे हैं, क्लियर है, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने कुछ लगा दिए हैं, एस्कीडिया, साल्पा और डोलियोलम, ठीक है। ये तीन एग्जाम्पल किसके हो गए, यूरोकॉडेट्स के हो गए, ठीक है। एस्कीडिया, साल्पा और डोलियोलम। अब आप देख सकते हो एस्कीडिया को, यहाँ पे एस्कीडिया का मैंने पिक्चर लगा दी है, देख सकते हो। इनके ऊपर एक टेस्ट मतलब वही लेयर होती है, ठीक है, जो इनको प्रोटेक्ट करती है, जिसका नाम है ट्यूनिक या टेस्ट, इसीलिए इनका नाम पड़ गया ट्यूनिकेटा। ब्रांकियल अपरेचर होता है, अपरेचर का मतलब होता है जिसके थ्रू फूड वगैरह एंटर करता है। आर्ट्रियल अपरेचर होता है, ये भी क्या करता है, एक्सक्रीशन में हेल्प करता है, एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। और आप देख सकते हो ये जो है नीचे जो ओशन की जो फ्लोर होती है उससे अटैच होते हैं फूड और बेस के साथ, ठीक है। जो जिससे अटैच होते हैं उसको बोलते हैं फूड या बेस, क्लियर। तो ये भी जिनका एडल्ट फॉर्म होता है वो इमोबाइल होता है, मतलब ये मूव नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये हो गया किसके बारे में, यूरोकॉर्डेटा के बारे में हो गया। अब आ जाओ सिफेलोकॉर्डेटा। जहाँ पे भी सिफेलो वर्ड आ जाए उसका मतलब ये होता है हेड, ठीक है, उसका मतलब होता है हेड या ब्रेन से रिलेटेड होता है सिफेलो। पूरी बायोलॉजी में जहाँ पे भी सिफेलो वर्ड आ जाए उसका मतलब होता है हेड या ब्रेन। तो सिफेलोकॉर्डेटा का मतलब हो गया इनके बॉडी में एडल्ट में नोटोकॉर्ड देखा गया था, मतलब एडल्ट में परसिस्ट रह जाती है, बची रह जाती है। परसिस्ट का मतलब समझते हो ना, कि बची रह जाना। जैसे वहाँ पे क्या हो रहा था यूरोकॉर्डेटा में, कि नोटोकॉर्ड थी तो लेकिन वो डिसअपियर हो जाती थी, यहाँ पे परसिस्ट मतलब देखी जाती है पूरी लाइफ में। तो एडल्ट नोटोकॉर्ड एक्सटेंडिंग फ्रॉम द हेड टू द टेल रीजन, हेड से लेके टेल रीजन तक देखी जाती है, ठीक है। हेंस द नेम सिफेलोकॉर्डेटा, इसीलिए इनका नाम पड़ गया सिफेलो, मतलब हेड रीजन से ओरिजिनेट हो रही है नोटोकॉर्ड और कहाँ तक जा रही है, टेल रीजन तक। मैरीन होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर इन शैलो वाटर। शैलो वाटर हम आपको पता है, ठीक है, शैलो वाटर क्या होता है, मोस्टली सेडेंट्री होते हैं, सेडेंट्री मतलब नीचे की तरफ सेडिमेंट होते हैं। फ्री स्विमर होते हैं, बरोइंग होते हैं, बिल बना के रहते हैं। डाइजेस्टिव ट्रैक कंप्लीट होता है, गिल स्लिट्स प्रेजेंट होती है, हार्ट अब्सेंट होता है। अभी मैंने आपको बताया था कि कॉर्डेटा में एक करेक्टरिस्टिक ये भी होता है कि हार्ट प्रेजेंट होता है, लेकिन सब में नहीं प्रेजेंट होता है, इनमें हार्ट अब्सेंट होता है। नर्व कॉल डॉर्सल होती है, नर्व कॉर्ड डॉर्सल होती है, नोटोकॉर्ड होती है, फेरेंजियल गिल स्लिट्स होती है, लेकिन हार्ट अब्सेंट होता है, ठीक है। सेक्सेस सेपरेट होते हैं, मतलब मेल एंड फीमेल बोथ आर प्रेजेंट ऑन द डिफरेंट बॉडी। नो सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कोई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया प्रोटोकॉर्डेटा के दो सब फाइलम, कौन कौन से, एक यूरोकॉर्डेटा और दूसरा सिफेलोकॉर्डेटा, क्लियर है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे दो सब फाइलम आपको पढ़ा दिए। अब आ जाते हैं वर्टिब्रेटा पे। ये मैंने इसका एक एग्जांपल है जिसका नाम है ब्रोंकियोस्टोमेटा, ठीक है, उसका एक फिगर लगा दिया है। आप यहाँ देख सकते हो कि किस तरह से इनकी बॉडी डिज़ाइन होती है। नोटोकॉर्ड देखो हेड रीजन से लेके टेल रीजन तक होती है, उसके बाद इनके बॉडी में बक्कल मतलब बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं जिनका फंक्शन आपको ये कि बॉडी डिज़ाइन कैसे होती है, ठीक है, क्योंकि जितने भी पार्ट्स लिखे हैं उनका फंक्शन इतना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं दे रहा हूँ। देखो फिन्स होती हैं, फिन्स से हेल्प से क्या कर सकते हैं, स्विम कर सकते हैं, फिन्स आपको पता है। उसके बाद देखो माइकोमेटा, ये जो माइकोमेटा होता है ये इनकी प्रोटेक्टिव लेयर होती है। गोनेट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, गोनेट्स। और जहाँ पे देखो इनके बॉडी पार्ट देखो ग्रूव आ रहे हैं जैसे फिश की तरह दिख रहे हैं, इसको बोलते हैं आर्ट्रीपोर। आर्ट्रीपोर जो है वो एक्सक्रीशन में भी हेल्प करते हैं, ठीक है। उसके बाद रोस्ट्रम, रोस्ट्रम जो होता है वो किसी भी जैसे जो भी इनका फूड होता है उसको इंटेक करने में हेल्प करते हैं, ठीक है, जिसको हम रोस्ट्रम बुलाते हैं। ओरल हुड होता है, हुड मतलब होता है ना हुडी, आपने सुना होगा जब हम लोग स्वेटशर्ट पहनते हैं तो हुड बुलाते हैं उसको, एकदम वैसे ही यहाँ पे कुछ पार्ट लगा होता है उसको बुलाते हैं ओरल हुड लगा होता है, ठीक है। तो इस तरह से इनके बॉडी पार्ट हो गए जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इनका कॉमन नेम एग्जाम्पल है इंपॉर्टेंट है लैंसेट, ठीक है, एम्फियोक्सिस, या इसी को और क्या बुलाते हैं हम, लैंसेट बुलाते हैं, जिससे आपको ये पता लग जाए कि ये किस तरह से होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया किसके बारे में, कॉर्डेटा के बारे में हो गया, सिफेलोकॉर्डेटा के कंप्लीट हो गया। अब आ जाओ वर्टिब्रेटा पे। ये हमारा
जो हम जिस सब फाइलम को बिलोंग करते हैं, तो हमारा सब फाइलम क्या है? वर्टिब्रेटा। हम कॉर्डेटा में नहीं आते, क्यों? वर्टिब्रेटा में आते हैं क्योंकि हमारे पास नोटोकॉर्ड तो होती है, लेकिन नोटोकॉर्ड किससे रिप्लेस हो जाती है? वर्टिब्रल कॉलम से। क्योंकि जैसे जैसे हम एडल्ट होते हैं, मतलब हम डेवलप होते हैं, तो हमारी जो नोटोकॉर्ड होती है वो वर्टिब्रल कॉलम में चेंज हो जाती है, जिसको आप बैकबोन के नाम से जानते हो। और याद रखना, ऐसे एनिमल्स में ब्रेन बॉक्स होता है, जिसको बोलते हैं क्रेनियम, इसीलिए इन एनिमल को बोलते हैं क्रेनिएटा। ठीक है, तो जो वर्टिब्रेट्स होते हैं आर एडवांस कॉर्डेट्स। ये एडवांस कॉर्डेट्स हैं, नोन एज यू कॉर्डेट। यू मतलब होता है वेल डेवलप। जहाँ पे भी पूरी बायोलॉजी में ई यू इस तरह से कोई वर्ड पहले आ जाए, उसका मतलब होता है वेल डेवलप। और हायर कॉर्डेट्स, वर्टिब्रेट्स हैव डेवलप क्रेनियम। क्रेनियम मतलब जिसमें ब्रेन सिचुएटेड होता है, आपको पता है जो हमारा ब्रेन बॉक्स होता है उसको क्रेनियम बुलाते हैं। और वर्टिब्रल कॉलम होता है, आपको पता है वर्टिब्रल कॉलम मतलब वही बैकबोन। नोटोकॉर्ड इज एम्ब्रियोनिक, हमारे पास नोटोकॉर्ड तो होती है लेकिन एम्ब्रियो स्टेज में होती है। इन एडल्ट रिप्लेस बाई वर्टिब्रल कॉलम, और जब हम एडल्ट होते हैं तो वही नोटोकॉर्ड किस में रिप्लेस हो जाती है? वर्टिब्रल कॉलम में रिप्लेस हो जाती है। एडल्ट का मतलब होता है कि जब हमारी एम्ब्रियो से धीरे धीरे हम डेवलप होते हैं, तब वेल डेवलप हेड पूरी तरह से डेवलप होगा। हेड हम पहचान सकते हैं विद स्पेशल सेंस ऑर्गन्स। जितने सेंस ऑर्गन्स अब जो है वर्टिब्रेट्स में होते हैं, वैसे सेंस ऑर्गन आपने पीछे किसी एनिमल्स में नहीं देखे हैं, स्मेल, साइट के लिए, हियरिंग के लिए। ठीक है, वर्टिब्रेट्स आर डिवाइडेड इंटू सुपर क्लास। अब हम इनको सुपर क्लास में डिवाइड कर सकते हैं। एक है एगन्था, आप देख सकते हो लिखा है एगन्था। एगन्था मतलब होता है जिनके पास जॉ नहीं होते। अब सोचो अगर हमारे जॉ नहीं होते तो हमारा माउथ हमेशा ओपन होता, ठीक है, एकदम ऐसे जैसे मेरा हाथ है इस तरह से। ठीक है, और अगर ये दूसरा जो सुपर क्लास है उसको बोलते हैं नेथोस्टोमेटा। तो जहाँ पे भी स्टोमेटा वर्ड आ जाए, अब आपने स्टोमेटा जानते हो, तो स्टोमेटा मतलब होता है ओपनिंग। ठीक है, तो जिनकी ओपनिंग को कोई रेगुलेट कर ले, मतलब उनके पास जॉ होते हैं, उनको बोलते हैं नेथोस्टोमेटा। और जहाँ पे जॉ ना हो उसको बुलाते हैं एगन्था। एगन्था मतलब, देखो मैंने बता रखा है कि बायोलॉजी में जिस भी वर्ड के पहले ए आ जाए इसका मतलब वो नहीं है। अगर जॉ नहीं है तो उसको क्या बुलाते हैं? एगन्था बुलाते हैं। ठीक है, तो एगन्था मतलब जॉलेस, जिनके पास जॉ नहीं होता, और जिनके पास जॉ होते हैं उनको बुलाते हैं नेथोस्टोमेटा। ठीक है, तो आपको इन्हीं दोनों सुपर क्लास के बारे में अब पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहली सुपर क्लास में लेके आ रहा हूँ एगन्था। एगन्था मतलब होता है द प्रिमिटिव वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स तो होते हैं लेकिन प्रिमिटिव होते हैं क्योंकि इनके पास जॉ प्रॉपर नहीं होते हैं। ठीक है, कार्टिलेजिनियस होते हैं, उनके पास बोन्स नहीं होती, कार्टिलेज के बनी होती है। नोटोकॉर्ड परसिस्ट थ्रू आउट लाइफ, इनकी बॉडी में नोटोकॉर्ड देखी जाती है पूरी लाइफ में। जॉज एंड पेयर अपेंडेजेस आर अब्सेंट, जैसे आपने फिश में देखा होगा फिन्स वगैरह होती है, उस तरह से कोई अपेंडेजेस नहीं होती है। फिश की तरह लगते तो हैं लेकिन उनकी तरह से पूरी तरह से फिन्स वगैरह डेवलप नहीं होती है। ठीक है, इंटरनल ईयर होते हैं, बाहर से आपको लगेगा नहीं कि ईयर हैं, इंटरनल ईयर्स होते हैं विद वन और टू सेमी सर्कुलर कैनाल, जो इनकी बॉडी को बैलेंस करने में हेल्प करता है। ठीक है, अब देखो इसी एगन्था में जो सबसे मेन क्लास है उसका नाम है साइक्लोस्टोमेटा। तो साइक्लो मतलब होता है सर्कुलर, इनका माउथ कैसा होता है? सर्कुलर होता है, क्योंकि जॉ तो होता नहीं, तो जॉ नहीं होगा तो इनका माउथ कैसा होगा? सर्कुलर, जैसे सर्कुलर है। और ये किसी पे अगर ये अपना फूड ले रहे हैं तो उसके बॉडी से अपने माउथ को ऐसे अटैच कर लेते हैं और जो फूड होता है उसको सक करने लगते हैं, मतलब जो ब्लड होता है उसको सक करने लगते हैं, तो ये सकर्स होते हैं। ठीक है, जैसे वैम्पायर आप जानते हो, तो वैम्पायर क्या करता है? अपने टीथ को एम्बेडेड कर देता है, धंसा देता है, और क्या करता है? उससे ब्लड को सक करता है। एकदम ऐसे भी ऐसे ही इनका माउथ होता है, सर्कुलर होता है, क्योंकि जॉ तो होता नहीं तो माउथ को क्लोज नहीं कर पाते, टीथ लगे होते हैं और उसी टीथ के हेल्प से ये क्या करते हैं? किसी भी जो प्रेडेटर होता है इनका, या जो प्रे होता है, ठीक है, उस पर क्या करते हैं? उसको अपने आप को, मतलब ये क्या करते हैं? ये ब्लड को सक कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए सर्कुलर माउथ होता है। तो साइक्लोस्टोमेटा, अभी मैंने बताया ना, स्टोमेटा मतलब ओपनिंग या माउथ, और साइक्लो मतलब क्या हो गया? सर्कुलर। तो इनका जो माउथ होता है वो सर्कुलर होता है। अभी नेक्स्ट मैंने फिगर में देखो लगा रखा है, अगर यहाँ ध्यान से देखो तो जो है वो सर्कुलर है और यहाँ पे टीथ लगे होते हैं, और इसी चीज़ को ले जाके ये किसी जिससे भी अपना फूड लेते हैं, मोस्टली ये किसी फिश से अटैच हो जाते हैं, उसके फ्लैश को खा लेते हैं। ठीक है, या प्रे होता है उससे ब्लड को सक कर लेते हैं। तो इस तरह से ये सकर्स होते हैं, मोस्टली प्रेडेटर होते हैं, शिकारी टाइप के होते हैं। ठीक है, और देख सकते हो इनका माउथ किस तरह से होता है, और देख रहे हो कोई भी अपेंडेजेस नहीं है,
एकदम एल के तरह होते हैं। एल मतलब होता है कि कोई भी बॉडी, जैसे सिलिंड्रिकल, जैसे पेन है, अब इसमें कोई भी पार्ट अटैच नहीं है, ठीक है, तो कोई भी अपेंडेजेस नहीं होता है, क्लियर है, ठीक है। तो ये देखो इनके कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। पहला, बॉडी ईल शेप, ईल शेप मतलब होता है ऐसे सिलिंड्रिकल होती है, कोई भी अपेंडेजेस वगैरह नहीं होते, विदाउट स्केल, जैसे आपने देखा है कि फिश के बॉडी पे स्केल्स होती हैं, इनके बॉडी में कोई स्केल नहीं होती, जॉज नहीं होते, लेटरल फिन्स नहीं होते, जो फिश में लेटरल फिन्स होते हैं वो नहीं होती, माउथ सेक्टोरियल होता है, सेक्टोरियल का मतलब हो गया सकिंग वाला, ऐसा माउथ जो सक करे उसको बोलते हैं सेक्टोरियल, ठीक है, राउंड होता है, फनल शेप होता है, फनल का मतलब होता है जो कलेक्ट कर लेता है, ठीक है। पैरासाइट्स होते हैं ऑन फिशेस, कोई बड़ी बड़ी जो फिशेस होती हैं उनके ऊपर ये चले जाते हैं और वहाँ पे जो उनके जो फ्लैश होते हैं, ठीक है, वहाँ से उसको इनटेक कर लेते हैं। नॉस्ट्रल सिंगल होती है, मीडियन होती है, मीडियन मतलब बीच में होती है, लीड्स टू क्लोज नासल सैक और वो आगे जाके नासल सैक में चेंज हो जाती है। गिल्स 5 to 16 पेयर्स होती हैं, इसी को बुलाते हैं हम मैरिस, ठीक है, सॉरी मार्सी, मार्सी प्रो ब्रैंकी, मार्सी प्रो ब्रैंकी का मतलब हो गया कि जो गिल्स हैं वो एक तो 5 to 16 हैं, दूसरा पाउच की तरह है, जैसे इनकी जो गिल्स होती हैं वो स्लिट नहीं होती, वो पाउच की तरह होती हैं, ठीक है, क्लियर। और ये मोस्टली पैरासाइट्स होती हैं या स्कैवेंजर्स होती हैं। स्कैवेंजर मतलब क्या हो गया, जानते हो ना कि डेड एंड डिकेइंग पार्ट को खा लेना, और पैरासाइट्स मतलब किसी और एनिमल पे रह के और उससे अपने फूड को क्या करती हैं, इनटेक किया करते हैं, ठीक है। इनके बारे में एक फीचर आपके बुक में लिखा होगा कि वैसे तो ये मैरीन वाटर में रहते हैं, ठीक है, लेकिन ये स्पॉनिंग के लिए, आपके एनसीईआरटी जब आप पढ़ोगे तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट फीचर इनका लिखा हुआ है कि दे गो फॉर द स्पॉनिंग। स्पॉनिंग का मतलब होता है ये अपने लार्वा को ले करने फ्रेश वाटर में जाती हैं और वहाँ पे इनकी डेथ हो जाती है। इनका लार्वा तो सर्वाइव कर जाता है लेकिन एडल्ट की डेथ हो जाती है। फिर से समझो, ये वैसे रहते हैं किस में, मैरीन वाटर में, फिर ये किस में जाते हैं, फ्रेश वाटर में। क्यों जाते हैं, स्पॉनिंग के लिए। स्पॉनिंग का मतलब होता है कि बेबी को बर्थ देने, ठीक है, वैसे तो ओवी पैरस होते हैं, ये एग ले करते हैं, ठीक है, उससे लार्वल स्टेज आती है, तो इनका जो लार्वा होता है वो प्रोड्यूस कहाँ होता है, रिवर में होता है, मतलब फ्रेश वाटर में होता है, और इनकी डेथ हो जाती है क्योंकि ये रिवर में सर्वाइव नहीं कर सकती। इनका जो लार्वा होता है वो फिर स्विम करते करते कहाँ आ जाता है, मैरीन वाटर में आ जाता है, क्लियर है, समझ में आया। इसका मतलब है लार्वा डेवलप कहाँ होता है, फ्रेश वाटर में डेवलप होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है इनका, यूनिक फीचर है, ठीक है, कि ये स्पॉनिंग के लिए फ्रेश वाटर में जाते हैं, क्लियर। तो यहाँ पे देखो मैंने दो एग्जांपल लिख रखे हैं, पेट्रोमाइजोन जिसको लैम्प्रे बोलते हैं और माइग्जीन जिसको हैगफिश बोलते हैं, ठीक है, तो लैम्प्रे और हैगफिश देख सकते हो, पहला वाला क्या है, पेट्रोमाइजोन मतलब लैम्प्रे और दूसरा क्या है, हैगफिश है, ठीक है। तो इनके करेक्टरिस्टिक समझ में आ गए होंगे। तो यहाँ पे हम लोग ने पहली जो क्लास है वर्टिब्रेटा की वो डिस्कस कर ली, जैसे दैट इज़ एगेनेथा। एगेनेथा मतलब क्या हो गया कि इनके पास जॉ नहीं होते, ठीक है, जॉ नहीं होते, इसलिए इनका माउथ क्या होता है, ओपन होता है, सर्कुलर होता है, और ये क्या करते हैं, फूड को, मील को, जो ब्लड होता है उसको सक करते हैं, सेक्टोरियल माउथ होता है, इसीलिए मोस्टली या तो पैरासाइट्स होंगे और या तो स्कैवेंजर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये सेशन कंप्लीट हो गया और अब हम लोग आगे फिशेस की क्लास पढ़ेंगे, इंटरेस्टिंग और हो जाएगा क्योंकि बहुत से ऐसे एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे जिनके बारे में हम काफ़ी फैमिलियर हैं, ठीक है। तो आई एम कंप्लीटिंग दिस सेशन। अगर कोई भी डाउट होगा किसी भी टॉपिक में तो ज़रूर बताना इन द कमेंट बॉक्स, सो दैट आई विल सॉल्व योर डाउट इन द नेक्स्ट सेशन एंड देन आई विल प्रोसीड, ठीक है, तभी मैं आगे प्रोसीड करूँगा, अदरवाइज आई विल नॉट प्रोसीड, क्लियर। सो होप सो दैट यू आर डूइंग वेल एट योर होम, स्टे एट योर होम, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत, लव यू, गुड बाय।